आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बंधन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी आप भूल चुके हैं तो फिर आप उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपके लिए मतलब बंधन बैंक का यूजर आईडी प्राप्त करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप कस्टमर केयर को कॉल करें, कस्टमर केयर का नंबर आपको यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ये नंबर जो दिख रहा है ये नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये दोनों नंबर पे कॉल करके आप उनसे अपना यूजर आईडी पूछ सकते हैं। सिर्फ आप उनको वो लोग आपसे कुछ डिटेल मांगेंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ और आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर और माता जी का नाम। ये चार डिटेल देने के बाद वो आपका आइडेंटिफाई क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद जैसे ही आपका आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन होता है वो आपको आपका यूजर आईडी दे देंगे। तो पहला तरीका ये था और दूसरा तरीका ये है कि आप इंटरनेट बैंकिंग यहाँ से लॉगिन कीजिए। देखिए, यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। और ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ से कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे और कंटिन्यू टू लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे जो कि हमें पता नहीं है और वही हमें पता करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट यूजर आईडी। तो फॉरगेट यूजर आईडी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते यहाँ पे भी दो ऑप्शन है फॉरगेट यूजर आईडी। यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड एंड उसका एटीएम जो पिन होता है वो दोनों डाल के यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आपके पास डेबिट कार्ड होता ही नहीं है या फिर खो गया होता है, तो फिर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया गया है, तो रेफरेंस नंबर पर हम ऐसे टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस नंबर आपको कस्टमर केयर पे ही कॉल करके, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप रेफरेंस नंबर अपना मंगा सकते हैं। कस्टमर केयर वाले आपको इजीली बता देंगे, वैसा ही प्रोसेस है। फिर से वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, आपका नाम पूछेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ और माता जी का नाम, ये चारों नेसेसरी है, पूछेंगे। तो ये चारों आप रेडी करके रहिए सही और कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और तुरंत ही आपको यहाँ से रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज कर दिया जाता है। वो दो घंटे में बोलते हैं आने के लिए, लेकिन 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आ जाता है। तो हम विथ रेफरेंस नंबर पर क्लिक करके सबमिट करेंगे और यहाँ पर CIF नंबर जो कि आपका अकाउंट खुला होता है तो उस पे आपका CIF नंबर लिखा रहता है। तो हम यहाँ पे अपना CIF नंबर इंटर करेंगे। देखिए, मैंने CIF नंबर इंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो कि हमें मोबाइल में मैसेज के थ्रू आया हुआ है, इसमें सब कैपिटल लेटर में लिखना है। मुझे कैपिटल लेटर में आया है तो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही लिखूँगा। देखिए, मैंने अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसके बाद कैप्चर फील्ड करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास मोबाइल पे हमारे OTP कोड आएगा। देखिए यहाँ पे कोड आ चुका है। देखिए ये हमारा OTP कोड जो कि मोबाइल नंबर पे आ गया है। अब हम इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे इनपुट करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। देखिए सबमिट करते हैं, योर यूजर
आईडी रिट्राइव सक्सेसफुली योर यूजर आईडी, ये मेरा यूजर आईडी है, तो हम इसको कहीं लिख लेंगे या फिर इसको कंट्रोल पी करके इसको इस पेज को प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह हम तीन स्टेप में देखिए, कस्टमर डिटेल, ओटीपी ऑथेंटिकेशन और तीसरा है गेट यूजर आईडी, इन तीनों स्टेप से हम अपना यूजर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।